तो ये बात है उस जमाने की। अबे ये डरावना सा गंजा हर बार आ जाता है हमें डराने के लिए। एक काम करते हैं, इसके थोड़े से मजे लेते हैं। तो ये मैं गया फिल्मोरा में और यहाँ पर मैंने थोड़े से कूल कूल से इफेक्ट्स डाले और फाइनल रिजल्ट है ये। हाँ अब सही है, अब ये गंजा इतना डरावना नहीं लग रहा। तो तुम्हें भी अगर फिल्मोरा और उसके कूल कूल इफेक्ट्स डाउनलोड करने हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, इट्स स्टोरी टाइम। मुझे गिटार बजाना बिल्कुल नहीं आता। बचपन में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था पीकू, और उससे अगर कुछ भी पूछो उसका एक ही रिप्लाई होता था, नहीं नहीं हमें नहीं भाता। एक दिन वो मेरे घर पे मेरी बर्थडे पार्टी पे आया, मम्मी ने उसके सामने खाने वाली प्लेट रखी, प्लेट को देखते ही पीकू बोलता, नहीं नहीं आंटी हमें नहीं भाता। मम्मी ने बोला, अच्छा बेटा कैंपा, नहीं नहीं आंटी हमें नहीं भाता। इन शॉर्ट पीकू को था एक ही चीज आता, नहीं नहीं आंटी हमें नहीं भाता। तो एक दिन हम सब दोस्त विद पीकू क्रिकेट खेल रहे थे अपार्टमेंट के ग्राउंड में। अपार्टमेंट के ग्राउंड से लग के था एक आंटी का घर, हिटलर आंटी, उसको पूरे अपार्टमेंट में हिटलर बोलते थे, क्योंकि एक तो वो आंटी थी बहुत लड़ाकी, अपार्टमेंट में एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको उस आंटी ने सुनाया ना हो, और दूसरा अगर क्रिकेट खेलते खेलते तुमने बाय चांस उनकी खिड़की पे बॉल मार दी तो तुम्हारी बॉल तो गई, तुम्हारे घर पे शिकायत भी होगी और तुम्हें इतनी गालियां सुनाएगी वो आंटी, इतनी गालियां सुनाएगी कि कानों में से खून निकल आए। अब पीकू जिसको कुछ नहीं भाता था उसको क्रिकेट खेलना आता था। अब पीकू ने बैटिंग करते करते शॉट मारा और गेस व्हाट, बॉल उड़ते हुए गई बाउंड्री को पार किया और सीधा जाके लगी उसी हिटलर आंटी की घर की खिड़की पे। जी हाँ, और हम बच्चों की फूटी किस्मत, वो आंटी अपने घर के बाहर खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। दुख मुझे इस बात का है, वो बॉल मेरी थी, आंटी ने बॉल उठा ली। अब मुझे पता था बॉल तो गई, लेकिन हम सब बच्चों ने क्या किया, हम सब बच्चों ने अपने अपने दिलों को थामा, अपने अपने हौसलों को बुलंद किया और हम भागे, घर की तरफ भागे, बहुत तेजी से भागे, क्योंकि वो आंटी हमें बहुत गालियां सुनाने वाली थी। अब ये बात है सर्दियों की, लेकिन जब तुम खेल रहे होते हो तुम्हारे अंदर जोश आ जाता है, गर्मी आ जाती है, तो तुम कभी कभार अपने ऊपर पहने हुए वस्त्र जैसे कि अपनी जैकेट उतार कर इधर उधर रख देते हो। मैं जो कि बहुत महान था, मैंने अपनी जैकेट उतार के गेस व्हाट कहाँ रखी थी, उन्हीं आंटी के घर के सामने वाली क्यारी के पौधे के ऊपर। अब अपने अपने घरों की तरफ भागते हुए मुझे याद आया कि ओ शेट, मेरी जैकेट तो वहीं रह गई। तो मैंने अपने प्यारे दोस्त पीकू को बोला कि देख भाई तूने मेरी बॉल तो गुमवा दी है, वो तो वापस मिलने नहीं वाली, पर तू जाके मेरी जैकेट लेकर आ। लेकिन मेरा प्यारा दोस्त पीकू हमको नहीं भाता है, हमको घर को जाता है, मम्मी ने बुलाया है, और पीकू भाग लिया। अब बॉल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैकेट के बिना घर जाता तो घर में अलग सीन हो जाता। तो मैंने अपने दिल को थामा, हौसले बुलंद करे और आंटी की घर की तरफ प्रस्थान करना शुरू करा। और जैसे ही मैं आंटी के घर के पास पहुंचता हूँ, मैंने देखा कि उन आंटी की नजर मेरी जैकेट पर पड़ चुकी थी। मैं जो कि फ्लैश से भी तेज हूँ, मैंने अपनी रफ्तार दिखाई और भाग के अपनी जैकेट को एक तरफ से पकड़ा, लेकिन मैंने आंटी की पावर्स को अंडर एस्टिमेट करा, आंटी भी तेज निकली, उन्होंने एक तरफ से जैकेट को पकड़ लिया। अब क्यारी के इस साइड खड़ा मैंने आंटी को बोला, आंटी जैकेट छोड़ दो। क्यारी की उस साइड खड़ी आंटी, नहीं। मैंने कहा, आंटी जैकेट छोड़ दो। आंटी बोली, नहीं। मैंने कहा, आंटी जैकेट छोड़ दो। इसके बाद जैसे ही आंटी ने नहीं बोला, मैंने जय माता दी अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करके जैकेट खींची और हो गया हादसा। एक सेकंड बाद मुझे रियलाइजेशन होती है कि जैकेट तो मेरे हाथ में है, लेकिन वो आंटी कैरी के उस साइड नहीं खड़ी, क्योंकि वो आंटी कैरी में पड़ी है। जी हाँ, मैंने जो अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करके उस जैकेट को खींचा, आंटी इतनी ज्यादा जिद्दी, उन्होंने जैकेट को छोड़ा नहीं, और मेरे द्वारा लगाई हुई फोर्स के कारण जैकेट तो मुझे मिल गई, लेकिन वो आंटी पलट के कैरी में गिर गई। मैंने आंटी की मदद करने का सोचा ही था कि आंटी ने क्यारी में गिरे गिरे भी मुझे माँ बहन भाई बाप दादा फूफा चाचा पड़ोसी सबकी इतनी गालियां सुनाई कि मैंने सोचा भाई इनकी मदद करने का भी कोई फायदा नहीं है, निकलो भाई निकलो। मैं भागा और अपने घर के सामने पहुंचा, और थैंकफुली आंटी को मेरे घर का नंबर नहीं पता था। मैंने देखा कि आंटी गेट के पास आई चिल्लाते हुए गालियां देते हुए, वो लड़का कहाँ रहता है, उसने मेरे को गिरा दिया, वो लड़का कहाँ रहता है, ये वो। लेकिन थैंकफुली आंटी को कभी नहीं पता चला कि वो लड़का कहाँ रहता था। अभी स्टोरी से दो सीख मिलती है, पहली कि पीकू जैसे दोस्त जिनको कुछ नहीं भाता है, इनको कुछ नहीं आता है, टाइम पड़ने पर ये घर को भाग जाता है, और दूसरी ये बुजुर्ग लोगों की दिक्कत क्या है, साला क्रिकेट खेलने ही नहीं देते, मतलब घर की खिड़की पे बॉल लग गई तो बॉल उठाकर भाग जाते हैं, जैकेट उठाकर भाग जाते हैं। ये जो क्रिकेटर्स फेमस होने के बाद बोलते हैं हमने बहुत दिक्कतों का सामना करा है, हमारे बचपन में बहुत मुश्किलें थी, अरे यही बुजुर्ग लोग तो थे इनकी मुश्किल।
अब इस हादसे के बाद अपार्टमेंट के गार्डन में क्रिकेट खेलना बंद हो गया, मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। अब क्या पता कि मैं भी अगर आज क्रिकेट खेल रहा होता तो मैं भी भाई विराट कोहली जैसा क्रिकेटर होता, ना कि यूट्यूब पे बैठे ऐसे वीडियोस बना रहा होता। बट वैसे जो भी बात अच्छे के लिए हुआ ना, आज 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो शायद 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हो। तो Q&A कर लेते हैं, Q&A के क्वेश्चन मुझसे पूछ लो ऑन ट्विटर। इस बार सिर्फ ट्विटर पे @triggeredinsan क्वेश्चन पूछ लो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक वाले बटन को दबा देना, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा देना, कमेंट्स में बता देना वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's story time.